खरगोन जिले के आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर भी आदिवासी महिला एवं बच्चे को 2 बोरी यूरिया के लिए सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्र भगवानपुरा झिरनिया जैसे अन्य क्षेत्रों से आए आदिवासी भाई बहनों, महिला पुरुष और कॉलेज में पढ़ने वाले स्कूली छात्र छात्राएं छोटे छोटे बच्चों को खरगोन वेयर हाउस पर 2 बोरी यूरिया के लिए लाइन में लगे हुए दिखेंगे। वैसे तो हर वर्ग के किसान यूरिया के लिए लाइन में लगे हुए मिल जाएंगे, लेकिन दूर अंचल से आए आदिवासी भाई बहन आपको अधिकांश मिलेंगे। दूरांचल में सोसाइटियों में यूरिया खाद पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? अगर पहुंच रहा है तो वहां किसान क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये समस्या पिछले कई वर्षों से जस की तस बनी हुई है। बरूर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। ये बच्चे को लेकर काहे के लिए आए? हाँ तो यूरिया खाद तो आपके गाँव में नहीं मिलता? मिलता नहीं, तो नहीं मिलता। कब से आए बच्चे को लेके? सुबह आई जाए। सुबह तो मिला क्या? दो थैली मिला। क्या नाम आपका? सोनीता। कौन से गांव? बांदे से रे। क्यों काहे का लेना है भैया? अरे खाद का लेना है यार। खाद का ले? यूरिया? यूरिया। कब से आए जी? अरे सुबह 7 बजे से आए। सुबह 7 बजे से? हाँ, कल भी आया था। कल खाद नहीं मिले था, अभी कल देऊंगा ऐसा बोल दिया था। हजार आया सुबह से। हजार आना पड़ा क्यों? हाँ तो गए। किना गांव से आए? अरे जूना बिलवा से आया। जूना बिलवा से? कितनी दूर पड़ते हैं यहाँ से? यहाँ से बहुत दूर पड़ता रहे। क्या नाम तुम्हारा? लाल सिंह। बताओ। मैं पिपल झपा से आया हूँ। स्कूल जाने का था, पर अभी घर से वो आया तो यूरिया निकलने के लिए अभी यहाँ आना पड़े मुझे स्कूल, मतलब गैप छोड़ के। स्कूल में अनुपस्थित हूँ मैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th 12th में पढ़ता हूँ। 12th में? तो स्कूल छोड़ के यहाँ आया? हाँ, स्कूल छोड़ के आया क्योंकि यूरिया निकलने के कारण मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो आपके वहाँ यूरिया नहीं मिलता? नहीं, वहाँ यूरिया नहीं मिल रहा अभी। क्या नाम है आपका? मेरा रुबास खोड़े, पिता शिवराम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।